नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में देखिए, आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस है जो कि WH क्वेश्चन से रिलेट करते हैं, जैसे कि हु सेंट यू हेयर, तुम्हें यहां किसने भेजा। और सेकंड सेंटेंस देखिए, हु डिड यू सेंट देयर, मतलब आपने वहां किसे भेजा। तो यहां पर कंफ्यूजन ये है, पहले वाले वाक्य में किसने का सेंस दे रहा है हु, ठीक है, मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तुम्हें यहां किसने भेजा। और सेकंड वाले सेंटेंस में देखिए, हु डिड यू सेंड देयर, आपने वहां किसे भेजा, मतलब कि तुमने किसी और को भेजा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में यहां पर बात हो रही है कि किसे भेजा गया वहां पर आपके द्वारा। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर हम सब्जेक्ट का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड सेंटेंस देखिए, व्हाट बुक डू यू वांट, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। विच बुक डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। तो विच से भी सेम सेंटेंस बन रहा है, लेकिन इसका मतलब अलग है, ठीक है। वट से भी वही सेंटेंस बन रहा है, वट बुक डू यू वॉन्ट, मतलब तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। इन दोनों में अंतर है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसी के साथ साथ देखिए, वट के बाद एक नाउन का यूज हुआ है बुक, ठीक है, विच के बाद भी नाउन का यूज हुआ है। अब यहाँ देखिए, वट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हमने, What did you eat today? आज तुमने क्या खाया, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। इसी प्रकार से विच डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सा चाहिए, यहां पर भी हमने विच के बाद डू का यूज किया जो कि हेल्पिंग वर्ब है। तो आपने देखा, वट के बाद कभी तो नाउन आ रहा है और विच के बाद नाउन आ रहा है, और वट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ जा रहा है, विच के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आ जा रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आप लोग इजीली इन सबको कैसे समझ सकते हैं और कैसे इनसे आसानी से अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने तीन सेंटेंसेस है, व्हाट इज ही, हु इज ही एंड विच इज ही। तीनों का मतलब अलग अलग है और तीनों ही करेक्ट है। तो आप लोग इस वीडियो में इंटरोगेटिव, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जानने वाले हैं। तो इन तीनों को जानने के बाद आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं क्वेश्चन फॉर्म करते हुए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि कहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है WH क्वेश्चन वर्ड के बाद और कहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, व्हाट बुक डू यू वांट, यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब का नहीं यूज किया। विच बुक डू यू वांट, यहां पर भी हमने हेल्पिंग वर्ब का नहीं यूज किया, हमने सीधा नाउन का यूज किया WH क्वेश्चन वर्ड के बाद, जबकि हमने वर्ड के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया और विच के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। और यहां पर आप लोग देखिए डिफरेंसेस क्या होते हैं विच और वट में, ठीक है, विच और वट में क्या डिफरेंसेस है, ये सभी कुछ आप लोगों को पता चलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को पता चलेगा, जब हम हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो किस प्रकार से हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूं कि इनसे आप कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इससे हम किसी नाउन या प्रोनाउन की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न करते हैं, मतलब कि उत्तर जो आएगा उसमें कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा जो हम इससे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अभी आप एग्जांपल से समझेंगे, अर्थात जवाब में कोई नाउन या प्रोनाउन ही आएगा जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे। जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। जवाब में क्या हो सकता है, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मनोज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं रमेश के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो किताब, मनोज, रमेश या कुछ भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, वो एक नाउन ही होगा, ठीक है। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जवाब में एक नाउन ही आएगा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हमने व्हाट के बाद। अब देखिए, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे राज्य चाहिए, इस प्रकार से कुछ भी आंसर हो वो एक नाउन ही होगा जब भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अभी मैं आपको इनकी लिस्ट भी दिखाऊंगा। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा हम WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक है। जवाब में हो सकता है मैं रमेश हूँ, मैं मनोज हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ,
ठीक है, इस प्रकार से, तो जवाब में एक नाउन ही आएगा। हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे, जवाब में कोई नाउन ही हो सकता, मैं रमेश से कर रहा था, मनोज से कर रहा था, ठीक है। इसी प्रकार से टू हु आर यू टॉकिंग, आप किससे बात कर रहे थे, तो आप हु की जगह हुम का यूज कर सकते हैं। जब भी हम हु का यूज करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हालांकि ये सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, देखिए हु आर यू, तुम कौन हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का पता लगा रहा है हु, और हु से हम ऑब्जेक्ट का भी पता लगा सकते हैं, जैसे हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे, ठीक है, किससे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पता लगाने की बात हो रही है। हालांकि हम यहाँ पर हुम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हुम का जब यूज करेंगे तो उससे पहले हमें टू का, टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, जैसे टू हुम वर यू टॉकिंग, और जब हु का यूज करेंगे तो लास्ट में हम प्रीपोजिशन को रखते हैं, इतना क्लियर है। हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, मतलब कल रात तुम्हें किसने बुलाया, यहां पर सब्जेक्ट की बात हो रही है कि कौन था जिसने तुम्हें कल बुलाया। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है, ठीक है, किसकी है ये किताब, हुज इज दिस बुक, हुज आर दिस बुक, ये किताबें किसकी हैं, ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। Whom do you love most? आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो whom यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पता लगा रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में यूज करते हैं who या whom का, ठीक है। इसी प्रकार से who are you teaching, तुम किसको पढ़ा रहे हो, who is teaching you, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस को देखे, who is teaching you, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, who are you teaching, तुम किसको पढ़ा रहे हो। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम किसको पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ा तो रहे हो लेकिन किसको पढ़ा रहे हो, ठीक है, हु आर यू टीचिंग। और यहां पर देखिए हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कोई पढ़ा तो रहा है लेकिन कौन पढ़ा रहा है, उसका नाम बताओ, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे कि पढ़ा कौन रहा है तुम्हें, हुम आर यू टीचिंग, तुम किसको पढ़ा रहे हो, जैसे ये वाला सेंटेंस था हु आर यू टीचिंग, आप कर सकते हैं हु आर यू टीचिंग, तुम किसको पढ़ा रहे हो, ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए। अब देखिए विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, विच इज हिज हाउस, उसका घर कौन सा है, चुनने के लिए, जैसे कि कुछ घर हैं उसमें से चुनने के लिए उसका घर कौन सा है, विच इज हिज हाउस। विच इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है, चॉइस मतलब किसी सीमित संख्या में से चुनना, इनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है, विच इज योर ब्रदर, विच इज योर ब्रदर हेयर, ठीक है, यहाँ आपका भाई कौन सा है, विच इज राम, राम कौन सा है, चॉइस मतलब किसी सीमित संख्या में से चुनना, मतलब ये कुछ लोग बैठे हुए हैं उसमें से आप किसी से पूछ रहे हैं विच इज राम हेयर, यहाँ राम कौन सा है, ठीक है, राम कौन है, विच इज राम। हु इज योर ब्रदर, आपका भाई कौन है, यहाँ चुनना नहीं बल्कि यहाँ नाम पूछा जा रहा है कि आपका भाई कौन सा है, ठीक है, या आपका भाई कौन है, सुपरमैन है, क्या नाम है उसका, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, आपका भाई कौन है, सुपरमैन, राम, मनोज, कुछ भी हो सकता है आपका भाई, आपके भाई का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जरा इन वाक्यों को ध्यान से देखिए, व्हाट इज ही, विच इज ही, हु इज ही, इन तीनों का मतलब अलग अलग है। देखिए व्हाट इज ही मतलब कि वो क्या है, यहाँ पर प्रोफेशन की बात होती है, जब व्हाट इज ही कोई बोलता है, व्हाट इज ही, वो क्या है, वो अपने आप को क्या समझता है, मतलब हम जानना चाहते हैं कि किसी का क्या पेशा है, जैसे वो क्या नेता है कोई, क्या वो नेता है या डॉक्टर है या इंजीनियर है या किसान है इत्यादि, इस प्रकार से हम उसका पेशा जानना चाहते हैं, व्हाट इज ही। व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या है, मतलब कि आपके पिता क्या काम करते हैं, क्या पेशा है उनका, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, नेता है, क्या है वो, ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखिए विच इज ही, इसका मतलब होता है कौन सा है वो, कौन सी का है वो, इस प्रकार से, ठीक है, जैसे नहीं बोलते कौन सा है वो, चॉइस करते हैं हम, ठीक है, मतलब हम जानना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति है कुछ लोगों में से, जैसे इनमें से कौन सा है वो जिसने तुम्हें कल पीटा था, किसी ने किसी को पीटा, यहाँ कोई बैठा हुआ है, कौन सा है वो, कौन सा है वो, विच इज ही, ठीक है, किसी सीमित संख्या में से पूछने के लिए हम विच का यूज करते हैं, कौन सा है वो, कौन सा है तुम्हारा भाई, विच इज योर ब्रदर, विच इज ही, वो कौन सा है, इस प्रकार से किसी सीमित संख्या में से चुनने के लिए, चॉइस करने के लिए, कौन सी किताब है जो तुम्हें पसंद है, कौन सी किताब है, विच इज द बुक। हु इज ही, वो कौन है, यहां पर रिलेशन, रिलेशन की बात होगी, मतलब हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा उससे कोई संबंध है। हु इज ही, जवाब हो सकता है तुम्हारा दोस्त,
मालिक, पिता, रिश्तेदार या इत्यादि, या तुम्हारा फेवरेट सिंगर कोई, तुम्हारा कुछ रिलेशन है, तुम उसके बारे में जानते हो और दूसरा व्यक्ति हो रहा, हु इज ही, तुम किससे बात कर रहे, तो हु इज ही वो कौन है, ठीक है, या आप उसका नाम बता सकते हैं या बता सकते हैं कि रिलेशन, वो मेरा दोस्त था, वो मेरा मालिक था, वो मेरा पिता था, वो मेरा रिश्तेदार था, हु इज ही वो कौन है, ठीक है, इस प्रकार से बोला जाता है। तो इतना आप लोग समझ गए। देखिए तो ऊपर के सभी सवाल का जवाब एक नाउन या प्रोनाउन ही होगा, इसलिए हु, हुम, व्हाट, हुज और विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। केवल इनकी संख्या 5 है, हु, हुम, व्हाट, हुज और विच। आप लोग वेयर भी, आप लोगों ने देखा होगा कई वीडियो में वेयर भी दिखाते, लेकिन वेयर एक इंटरोगेटिव एडवर्ब है, वेयर कोई प्रोनाउन नहीं है, वो क्वेश्चन करने पे कभी नाउन आ ही नहीं सकता। वेयर से हम हमेशा प्लेस के बारे में जानते हैं, ना कि नाउन प्रोनाउन के बारे में। आप बोलेंगे प्लेस भी तो नाउन है, वो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग जान लीजिए केवल 5 ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। पहला है हु, सेकेंड है हुम, व्हाट, हुज और विच। इस पे मैंने स्टार क्यों लगाया है, व्हाट, हुज और विच पे। देखिए यहाँ पर हुज, व्हाट और विच का प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी होता है, जब इन वर्ड के तुरंत बाद एक नाउन आता है। अब नीचे देखिए, अभी आपने देखा विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, अब देखिए विच बुक इज योर्स, आपकी किताब कौन सी है, मतलब तुम्हारी किताब कौन सी है। विच के तुरंत बाद बुक आया, एक नाउन आया। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। यहाँ पर देखिए हुज के बाद किताब का जिक्र हुआ जो कि एक नाउन है। What color do you like? आपको कौन सा रंग पसंद है। कलर क्या है, एक नाउन है, what के तुरंत बाद आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो ये एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह तीनों यूज हुए, विच, हुज और what, ठीक है, तीनों के बाद एक नाउन आया है। तो इंटरोगेटिव जो एडजेक्टिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव जो एडजेक्टिव है उनकी संख्या केवल 3 है, विच, हुज और what, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इन तीनों वाक्यों में WH वर्ड के बाद एक नाउन आया है, इसलिए ये यहाँ पर ये वर्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना या उनके बारे में कुछ विशेषता बताना। देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन की लिस्ट ये रही आपके सामने, हु मतलब कौन या किसको, हुम मतलब किसको, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या या कौन सा, विच मतलब कौन सा। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। देखिए जिस विशेषण से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके तुरंत बाद एक नाउन आता है, नाउन आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, डायरेक्ट नाउन आ जाता है। वो जो वर्ड होते हैं वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, तो यहीं पर आपको कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग पसंद है। What color do you like? आपको कौन सा रंग पसंद है। अभी मैं आपको ये क्लियर करता हूँ इसमें से किस प्रकार से आप डिफरेंस करेंगे what और which में। Whose book is this? ये किताब किसकी है। Whose house are you staying? आप किसके घर रह रहे हैं। Which way shall we go? हम किस रास्ते, हमें किस रास्ते जाना चाहिए। अब देखिए which color do you like और what color do you like, दोनों के बाद एक नाउन आया है, ये तो सही है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों का मतलब तो सेम है। देखिए जब भी हम विच कलर डू यू लाइक बोलते हैं या विच से कोई कौन सा वाला सेंस देते हैं तो उसका मतलब होता है किसी सीमित रेंज में, ठीक है। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, वहां पर आप लोगों को, आपको कलर दिखाया जा रहा है, उसमें से वो पूछ रहा है विच कलर डू यू लाइक, उसमें से पूछ रहा है। और व्हाट का मतलब ये होता है व्हाट कलर डू यू लाइक, दुनिया में कोई सी भी, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है, आपसे कोई ऐसे ही पूछ रहा है, ये नहीं बोल रहा कि एक जगह दिखा करके विच कलर डू यू लाइक, ये तो एक जगह की बात हो गई, सीमित जगह की, अगर या सीमित कंट्री की। लेकिन व्हाट से जब भी हम सवाल करते हैं, कौन सा जब सेंस आता है, तो ये अनलिमिटेड होता है, मतलब कि दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है, अनलिमिटेड। व्हाट कलर डू यू लाइक, अब ये नहीं पूछ रहा कि दुकान के अंदर के आपको कौन सा पसंद है, जो दुकान के बाहर भी हो, विदेश में भी हो, कहीं पर भी हो सकता है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमित जगह नहीं है, ठीक है, जब व्हाट से कौन सा सेंस आता है। इतना क्लियर हो गया। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, हम इसे बना सकते हैं हुज इज दिस बुक, तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जब हम बोल रहे हैं हुज बुक इज दिस, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, चाहे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज करें, चाहे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करें, दोनों का मीनिंग सेम ही आएगा।
ठीक है, तो इसकी केवल तीन ही संख्या है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की, विच, व्हाट और हूज। बस जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो इंटरोगेटिव जो एडजेक्टिव है उन्हीं के साथ आप लोग रख सकते हैं एक नाउन को या प्रोनाउन को। इसी प्रकार से हूज हाउस आर यू स्टेइंग, आप किसके घर रह रहे हैं, यह तो सिंपल है, हूज के बाद फिर नाउन आया। विच वे शैल वी गो, हमें किस रास्ते जाना चाहिए, वे मतलब रास्ता एक नाउन है, विच के बाद तुरंत आया, इसलिए ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में थोड़ा सा अंतर दिखा देता हूँ एक बार और, जबकि मैंने आपको बता ही दिया इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस तरह रखे हुए हैं, हु इज दिस बुक, ये किताब किसकी है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव से बनाएंगे। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, हुज के बाद तुरंत एक नाउन आया, जबकि यहाँ पर हुज के बाद तुरंत एक हेल्पिंग वर्ब आया। ठीक है, यहाँ पर हुज इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जैसा कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर हुज का यूज़ हमने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह किया है। इसी प्रकार से विच का भी आप देख सकते हैं, विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है, विच हाउस इज योर्स, आपका घर कौन सा है। विच के बाद यहाँ पर हाउस जो कि नाउन है वो आया, इसलिए ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव केवल तीन ही है, हुज, विच और व्हाट। अब देखिए इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, फिर प्रश्न पूछने वाले एडवर्ब को इंटरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। इनसे हम समय, जगह, तरीका, कारण, मात्रा, नंबर या बारंबारता का पता लगाते हैं। मतलब इनसे सवाल में जो जवाब आएगा उसमें कभी नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा, बल्कि किसी समय की बात होगी, हम किसी समय के बारे में जानना चाहेंगे या जगह के बारे में या फिर तरीके के बारे में या फिर कारण के बारे में, मात्रा, नंबर, बारंबारता, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें उत्तर नहीं मिलता है इंटरोगेटिव एडवर्ब से जब हम क्वेश्चन करते हैं। और इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या काफ़ी है, लेकिन देखिए वाई, वेयर, हाउ और वैन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, ठीक है, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं रमेश, नहीं दे सकते। वाई आर यू गोइंग देयर, तो यहाँ पर आपको कारण बताना है कि कारण क्या है कि मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ, ठीक है, कारण बताना है। यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा जवाब में, कारण आएगा, रीज़न आएगा। देखिए वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, जवाब में मुंबई आ गया। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई। अब आप कहेंगे मुंबई तो एक नाउन है, नाउन कैसे आ गया इसके जवाब में। मैं आपसे कहूँगा कि क्या आप जब एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस ग्रामर के तरीके से देखिए, जब एक सेंटेंस लिखेंगे कि मैं मुंबई में रहता हूँ तो आप क्या लिखेंगे, आप लोगों को एक सेंटेंस दे ग्रामर के अनुसार कि एक सेंटेंस लिखिए मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, इसके जवाब में। वेयर डू यू लिव, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो लिखिए उसे, आई लिव इन द मुंबई या इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, ठीक है, इन मुंबई, तो इन जो आया है ना मुंबई से पहले, तो ये अकेला वर्ड मुंबई नहीं रह गया, उसके पहले प्रीपोजिशन आया, तो ये समझ लीजिए जिस भी नाउन के पहले प्रीपोजिशन आ जाए तो वो अकेला नाउन नहीं रह जाता, ठीक है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं रहता हूँ, ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट नहीं बोल सकते मुंबई, या ग्रामर के अनुसार ये जवाब नहीं दिया जा सकता, ये समझ लीजिए, ठीक है। या फिर आप कहें दिल्ली में रहता हूँ, वो कहाँ जा रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन हो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, जवाब में स्कूल आया, आप बोलेंगे स्कूल नाउन है, लेकिन नाउन किस प्रकार से है बताइए, आप उसका जवाब लिखिए, वेयर आर यू गोइंग, जवाब लिख के बताइए ग्रामर के अनुसार, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल के पहले प्रीपोजिशन आया, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के साथ मिलके जो नाउन है वो नाउन नहीं रह जाता, इसलिए वेयर का जवाब कभी भी नाउन या प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो इतना क्लियर है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप बताएंगे आई एम फाइन, फाइन, ठीक है, फाइन मतलब ठीक हूं, यहां कोई नाउन नहीं आ सकता। व्हेन विल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली कब जाएंगे, यहां पर भी हमें समय के बारे में पूछा गया, जैसे कि हम रात में जाएंगे, सुबह में जाएंगे या 2 तारीख को जाएंगे, ठीक है, यहाँ समय पूछा गया, तो समय का जवाब जब आएगा वो इंटरोगेटिव एडवर्ब वाले क्वेश्चन से ही आएगा, ठीक है, तो ऊपर के वाक्यों में वाई, वेयर, हाउ, व्हेन इंटरोगेटिव एडवर्ब है, इन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन मत कहना, रिलेटिव प्रोनाउन मत कहना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा
कि WH क्वेश्चन या फिर इंटरोगेटिव, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या अंतर है। और आज आप लोगों ने यह भी जान लिया होगा जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उनकी संख्या केवल 5 है। वो कौन कौन से है? हु, हुम, हूज, व्हाट, विच। ठीक है, इनमें से 3 का यूज हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, हूज, व्हाट और विच का। ठीक है, और इसके अलावा जो एडवर्ब है, इंटरोगेटिव एडवर्ब व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इसी प्रकार से हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बहुत सारे वर्ड होते हैं एडवर्ब में, काफ़ी सारी संख्या होती है WH क्वेश्चन की, आप लोग देख सकते हैं। वो मैं आप लोगों को या तो बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि WH क्वेश्चन वर्ड जो रिलेट करते हैं एडवर्ब से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों को एक अच्छी और यूनिक जानकारी मिली होगी। अगर यूनिक जानकारी मिली हो तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।